चलो दोस्तों, एक बार फिर हम निकल चुके हैं बेजुबान को बचाने के लिए। तो ये पिंपड़ नेरी से थोड़ा आगे पेट गाँव ना, हाँ, तो नवे गाँव पेट 10-12 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। तो ऐसे में यहाँ सांप निकल गया तो रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। तो चलो आइए देखते हैं कौन सा सांप है, क्या है। ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले रूबरू कराना चाहेंगे जिनको इनका सांप निकला। तो ये इनके घर को ही सांप निकला है। तो तुमसे पूर्ण नाम? उत्तम वामन रोकड़े। कालपासून होता, मग सकाळी काही दिसला नाही आम्हाला। आज सकाळी पाहिला, काल इरभर काही दिसला नाही, आज सकाळी पाहिला तर तो बाथरूम मध्ये होता। काल दोन कोंबडी मरून दिसले तिथं। आम्ही म्हणलं सापाना सोबा, म्हणून इराण काही दिसला नाही। आज सायंकाळी सकाळी पाहिला तर दिसला। तो ठीक है दोस्तों, दो बेजुबानों की जान लिया है उसने। तो देखते आइए चलो कैसे रेस्क्यू कर पाते है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दबाया था। तो देख सकते हैं दोस्तों सांप कौन से पोजीशन में। तो यहाँ पर ही मुर्गे वर्गे रहते थे दोस्तों इनके। यहाँ पर इनने अभी मुर्गे मार दिया है। तो आराम से फन फैला के अभी बैठा है। तो इसे हम अभी रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। नजदीक आना, ऐसा यहाँ से ले ना, यहाँ से ले। हाँ, इतनी होना था। चावमिल चावल है म्हणून नाही परत। अरे नाही मंदिर मुझे नजर करो नंबर। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा करके बुलाया जाता है। हिंदी में नाग, मराठी में नाग, कई कई गेवन, कई कई फिडार और कई कई खरीस के नाम से भी ये जाना जाता है। और बहुत तेजी से पलटता है दोस्तों करके इसे कई कई पलटू भी बोला जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जिसके बाइट होने के बाद अपने पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का ही समय होता है। तो ऐसे में आप कोई भी झाड़ फूक के चक्कर में ना गिरकर सीधे सरकारी दवाखाना जाइए और अपना सही से इलाज करवाइए, क्योंकि कोई भी झाड़ फूक का चक्कर अपनी जान नहीं बचा सकेगा। करके सीधा सरकारी दवाखाना जाइए। और हम अभी कपड़े के बैग में इसे सुरक्षित पैक कर देंगे।
और बाद में इसकी इसे अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसे हमने कपड़े के बैग में अभी सुरक्षित पैक कर लिया, बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे कोई अगले वीडियो में कोई बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र दोस्तों, धन्यवाद।